हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे सहमास गार्डनी में स्वागत है। आज आप सबको मैं एक नए फ्लावर्स, ये थोड़ा विदेशी फ्लावर्स है, देखिए कितना खूबसूरत, इसका नाम है ग्लैक्सोनिया। इसके बारे में आप सबको मैं जानकारी देना चाहती हूँ। और ये इंडोर प्लांट है, इसको आप, मैं अपने रूम में रखी हुई हूँ। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, कितने खूबसूरत फूल खिलते हैं, देखिए इसको, देखिए। और ज़्यादा केयर करने की आपको ज़रूरत नहीं है। देखिए इस प्लांट को आप लीफ से भी लगा सकते हैं, सीड से भी, और इसमें बल्ब भी होते हैं। देखिए इसमें बल्ब भी होते हैं, उससे भी ग्रो कर सकते हैं। और देखिए इसकी हम लोग जो मार्बल वेलवेट का कपड़ा नहीं होता, इस तरह से इसकी लीव्स लगती हैं, कितनी प्यारी है। काफ़ी बड़ी लीव्स होती हैं, देखिए इसमें काफ़ी कलर होता है, बैगनी कलर होता है, डार्क पिंक होता है, रेड होता है, लाइट है, वाइट है। इस काफ़ी, देखिए कितने सारे मेरे फ्लावर्स आए हैं, देखिए देखिए। और इसके बहुत अच्छे से इसके रूम में लगाइए, देखिए कितना खूबसूरत लगेगा। देखिए इसको, मुझे ये बहुत प्यारा लगा था, मैं नर्सरी से लेके आई थी इसको, और बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है। देखिए आपको लीव्स बस क्या करना है, अगर आप ये इस तरह से लेके आइए, और एक लीव से आप काफ़ी पेड़ बना सकते हैं। देखिए बस ये लीव्स को आप यहाँ से कट करके, देख रहे हो, आपको दिख रहा होगा ना, यहाँ से कट करके, और किसी भी थोड़ी सी 50-50 मोरम और 50 आप गार्डन सॉइल लेके मिक्स करके, आप थोड़ा कोको बीट में भी आप लगा सकते हैं इसको। डायरेक्ट कोको बीट में लगाइए, जिसमें ये ज़्यादा पानी रुकना नहीं चाहिए, देखिए उसमें लगा दीजिए। फिर आपकी यहाँ से लीव्स की जगह से नई नई जड़ें फूटने लगेंगी, इसमें निकलने लगेंगी, देखिए इसमें से, और एक नया पेड़ आपका तैयार हो जाएगा, बहुत ईजिली ग्रो हो जाएगा। और आप इसको कहीं और ज़्यादा धूप में नहीं रखना, इसके अंदर घर में रूम में रखने के लिए प्लांट होता है, आप ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ डायरेक्ट सनलाइट नहीं आए, और थोड़ी सी बस उसकी धूप हल्की सी लगे, मगर डायरेक्ट नहीं आने चाहिए। इस एरिया, ऐसी एरिया में रखिए। मैं इसको हमेशा अपने रूम में रखती हूँ मेज़ पे, देखिए कितना प्यारा लग रहा है, और इसमें बहुत प्यारे प्यारे कलर होते हैं, देखिए कितना खूबसूरत है। इसकी साइज़ देखिए फ्लावर्स की, ये काफ़ी दिन रहते हैं, 6-7 दिन रहता है एक फूल, और काफ़ी दिन अगर केयर रहे, क्यों केयर करिए, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और इसको ज़्यादा केयर करने से फर्टिलाइज़र की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, मंथली में एक बार फर्टिलाइज़र देखने, इसलिए इसकी मिट्टी मॉइस्ट रहनी चाहिए। देखिए जैसे ये रहती है इस तरह से, तो जब अंदर रहता है रूम में, तो इसमें ज़्यादा ये नहीं कि आप डेली डालिए पानी, और पानी ऐसे डालिए कि इसकी जड़ों को टच करे, बस सिर्फ लीव्स को टच नहीं करें, कि लीव्स में अगर पानी लगेगा तो ये गल जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी। देखिए मैंने यहाँ से एक लीव्स निकाल ली है, इसका मैं अब कटिंग करके लगाऊंगी, उसका ग्रो हो जाएगा, तो मैं आपको इसका वीडियो पर ज़रूर डालूंगी। देखिए और पानी आप जब जान जाए इसमें कि काफ़ी इसका ड्राई हो जाए, तब पानी दीजिएगा। ज़्यादा पानी देने से इसकी जड़ें सारी गल जाएंगी, ख़राब हो जाएगा पेड़। और इतना इतना खूबसूरत है, देखिए कितना, और भी इसमें देखिए कितनी मेरी कलियाँ निकली हुई हैं, देखिए देखिए कितनी कलियाँ कलियाँ हैं, और काफ़ी दिन रहता है रूम में, बहुत प्यारा लगता है, देखिए बहुत खूबसूरत पेड़ लगता है। देखिए देखिए ये फ्लावर्स, देखिए जो जो भी इसको देखना है तो बस उसका मन करता है इसको बस जल्दी से ले लूँ या अपने घर में ग्रो करूँ। देखिए और बहुत प्यारा लगता है, अगर आप उसको घर में रखते हैं, अगर डस्ट लग जाती है तो कपड़े से साफ़ करिए, पानी से मत साफ़ करिए, कि पानी से साफ़ करने से ये ख़राब हो जाएगा, या हल्का सा किसी तरह से करिए जैसे कि धूल लग जाए आपके पास, तो इसमें कपड़े से इसको हल्का साफ़ कर दीजिए, हल्का सा गीला कपड़ा रखिए उससे साफ़ कर सकते हैं, और ज़्यादा इसको पानी की इसके ऊपर मत करिए, ये छिड़ जैसे लोग पानी डाल देते हैं या किसी तरह का केमिकल है, ये मत, सब कुछ मत डालिए। अगर इसमें कीड़े लग जा रहे हैं तो उसको हाथ से हटा दीजिए, कि इसमें आप किसी तरह का कोई केमिकल या किसी तरह का कोई यूज नहीं, और फर्टिलाइज़र भी दीजिए, मैं केमिकल फर्टिलाइज़र यूज नहीं करती हूँ, मैं नीम खली और आपको मस्टर्ड की वो खली आती है, सरसों की खली, इन दोनों को मिक्स करके लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ, और महीने में एक बार 15-25 दिन में आप दीजिए, देखिए कितना आपका फ्लावर्स अच्छा देंगे, देखिए कितने खूबसूरत है, देखिए बहुत प्यारा है फूल, जो भी इसको देखता है इसका दिल करता है कि ये फ्लावर्स मेरे घर में होना चाहिए। छोटा सा होता है मगर बहुत क्यूट प्यारा सा लगता है। और भी आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी लेने के लिए आप मेरे वीडियो पे कमेंट्स कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद, थैंक यू।